हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आपका 10 जनवरी को सीटेट 2022-23 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो आपके हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका आज हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि आपके किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आपको उनका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी सी ई इज। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टू रिकॉर्ड द मेथड्स ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बी एफ स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, री इन्फोर्समेंट एंड इंगेजमेंट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमृता अ लैंग्वेज लर्नर अक्वायर्स लैंग्वेज नॉट वेन द इनपुट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स बट वेन द इनपुट इज अंडरस्टूड वेन सी अंडरस्टैंड्स वाट इज मीन्स एंड कैन मेक यूज ऑफ इट। स्टीफन क्रेसन वन ऑफ द रिसर्चर्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन हैज़ कॉल्ड इट। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। दोस्तों, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेडागोजी में पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, प्रोवाइड गाइडेंस थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस, रेगुलरली असाइन ब्रीफ राइटिंग एक्सरसाइजेस, गाइड हिम और हर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो यस दोस्तों, आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रौनक एंड प्रीति क्लास थर्ड लर्नर्स आर रीडिंग अ प्रोज पैसेज कंटेनिंग अ शॉर्ट स्टोरी। रौनक इज रीडिंग द स्टोरी टू लर्न वोकैबुलरी लैंग्वेज स्किल्स एंड कॉम्प्रीहेंशन वाइल प्रीति इज रीडिंग द प्लेजर देयर इज नो लैंग्वेज और वोकैबुलरी ड्रिलिंग। वॉट काइंड ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजीज आर फॉलोव्ड बाई रौनक एंड प्रीति। दोस्तों, बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रिस्पेक्टिवली। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच लैंग्वेज स्किल्स आर कमिंग अंडर द रिसेप्टिव स्किल्स स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग। तो दोस्तों, बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड लिसनिंग और रीडिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोरीज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आर। तो दोस्तों, बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही डेली पेपर के एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ फोकस्ड ऑन ओरल वर्क एंड प्रोनंसिएशन टॉट थ्रू ड्रिल्स। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज द लर्निंग इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन ऑफ डायलॉग्स एंड फ्रेजेस अबाउट एवरीडे सिचुएशंस। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एरर्स एंड लर्निंग एरियाज। एरर्स हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग, एरर्स शुड बी करेक्टेड देन एंड देयर एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर्स। तो दोस्तों, आप बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
यस दोस्तों, आपका ए और डी सही हो जाएंगे। एरर्स आर लर्निंग एरियाज, एरर्स आर फीडबैक फॉर द टीचर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके इंग्लिश पेडागॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो यहाँ पर आपके समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपके हिंदी पेडागॉजी के जो मुझे क्वेश्चंस मिले थे उनका अब हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह आपके हिंदी पेडागॉजी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सी बात उपयुक्त है। तो दोस्तों, बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण संप्रेषण कुशलता में दक्षता लाती है। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो मुझे मिले हैं कि आपके इस तरह पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर डेली पेपर एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों, बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अर्थ बोध पर। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति डैश पर सर्वाधिक बल देती है। तो यस दोस्तों, ये आपके नियम पर अधिक बल देती है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था CBSE द्वारा 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मूल्यांकन से आशय है। तो दोस्तों, आप बताएं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यस दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नकल की प्रवृत्ति को रोकना व सृजनशीलता को देना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता डैश होती है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जन्मजात। तो दोस्तों, जो मुझे आप क्वेश्चंस मिले इंग्लिश और हिंदी पेडागॉजी के कि आपके इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनका मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़। और दोस्तों, PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों के PYQ कराए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए।